वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हो? तो भैया आज अपनी बीस्ट को हम लोग लेके जा रहे हैं एक व्लॉग शूट करने। व्लॉग जो है हमारा फुल रैप के ऊपर है कि भाई पूरा रैप दोबारा से हो जाए। तो अभी देखो स्टार्टिंग का थोड़ा रैप हो चुका है, थोड़ा बाकी है उधर साइड का, तो चलो करवाते हैं यार और देखते हैं क्या है। अभी हम लोग इसमें ग्राफिक्स डलवा सकते हैं और क्या चीज़ें करवा सकते हैं, तो चलते फटाक से सिस्टम हैंग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइस घर से निकलते हैं, अंदर ही अंदर निकल चले गए। भाई फ्यूल अप के लिए पेट्रोल कम है तो फ्यूल अप कराना जरूरी है। गर्मी लेकिन यार बहुत तगड़ी है। जैकेट तो मैंने राइडिंग जैकेट पहन रखा है पॉस्चर राइड्स को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि भाई झेलने में हालत ख़राब हो रही है कसम से भाई। मतलब सोचा नहीं था इतनी गर्मी लगेगी। फिलहाल कोई ना यार, वी आर डू एवरीथिंग। ये चाचा को हाथ में लगा दे। चलते हैं यार, भैया पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। आज सारी गाड़ी बाहर खड़ी है, मुझे लग रहा है कुछ काम हो रहा है। रीच गाइस लाल बंगला। अरे आज खाली बहुत है धूप की वजह से, मुझे मैं लग रहा शॉपिंग करने भी नहीं आया, धूप इतनी है। लाल बंगले में जाम ना मिले ऐसा हो सकता है क्या? मतलब यार ये जाम के लिए सबसे गलत, मतलब क्या ही बोलूं यार, यहाँ साला रिक्शा भी घुस जाता है, बस भी घुस जाती है, कार भी घुस जाती है, यानी कि बाइक और पैदल वालों के लिए अलाउ हो जाता है। ओ
उधर अंकल देखे होंगे रॉन्ग साइड पे आ रहे थे। दिक्कत नहीं, मैं तो उड़ा के चला जाऊंगा अपने घर। हाँ चाचा आओ आओ, मेरे लौड़े पे बैठ के जाओ। हम लोग आ चुके हैं लेकिन ये पता नहीं कहाँ बिजी हैं। दिखाता हूँ, ये सट्टा खेलने में बिजी हैं। ये है लखनऊ का ये कलर के ट्रेडिंग गेम और इसमें लगे हुए हैं। भाई कितना कमाया अभी तक? कमा लिया। कितना? मतलब बरकर खर्चा आज का चल जाएगा तो भाई समझ रहे हो, कलर ट्रेडिंग में ये फायदा है। लेकिन हाँ, घुसता है तो कितना घुसता है? चड्डी उतर जाती है। तो गाइस समझ जाओ, कंगाल पूरा खत्म उन्होंने बोला, मतलब चड्डी उतर जाएगी अगर आपने ये खेला तो। इसको ना खेलो ना ही कुछ करो, जिंदगी बर्बाद तो बिल्कुल भी मत करो। इस पे ध्यान दो, इस पे जो मैं करवाने आया हूँ, बाकी सब पूरा बाकी बेकार। गाइस हम लोग अभी जाके ऑफिस आ चुके हैं, अब चलने जा रहे हैं उनके साथ। हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? काम। हमारे आते ही पीसी क्यों बंद हुआ? नहीं ऐसा कुछ तो छुपाया गया है। कुछ भी नहीं छुपाया गया, क्या चल रहा है? कुछ तो चल रहा है तभी भी होने के लिए ना, कुछ तो सीक्रेट चीजें ना हमको नहीं बताएंगे भैया। लोग लोग आते हैं एकदम ऑफिस में घुस गए, कोई तरीका नहीं होता आने का। ठीक है, आप लोग आओ, बेल बजाओ, कॉल करो, कुछ ये सब चीजें बताएं हमारे ऑफिस में केबिन के अंदर। हाँ, वो अपने पन वाली चीजें फिर मैप करने आए लोगों में। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब कैमरे लगे हुए हैं, कोई नहीं कर लेंगे सही है। नहीं भैया वो किडनैप करने का हमारा बेसिक मोटर ये नहीं कि हमको बाइक दे दें, उनको सुरक्षित छोड़ देंगे। हाँ चलेगा, कमी नहीं है, मुझे हुशोंग दे दें, इनको टेनार दे दें। नहीं मुझे हुशोंग दे दें, इन्हें टेनार दे दें, चलेगा वो कंटेंट का। नहीं भैया लेकिन जो चीज़ हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में अपडेट्स दे रहे हैं लोगों को, कितना मस्त रहे। तो गाइस जैसा कि सबको पता है हम लोग जाने वाले हैं लद्दाख राइड के लिए, तो उसकी देखिए अपडेट्स यहाँ पे आप दिखाई जा रही हैं। ये भैया ने मैप खोल दिया है। दो रास्ते हैं देखिए, एक हाँ। रास्ता है दिल्ली चंडीगढ़ होता है, वो एक ऐसे ये वाला रास्ता, ये ऐसा लग रहा है ये फ्लाइट का रास्ता। हाँ ये फ्लाइट का, फ्लाइट का ही है, फ्लाइट का ही है वो। दिखा भी रही है, देखो प्लेन बना हुआ। तो ये फ्लाइट का रास्ता और बाकी हम लोग रोड समझ के अभी सही में बोलते ही जा रहे हैं। ये वाला रास्ता पकड़ेंगे तो ये बेसिकली रास्ता जो पड़ेगा ये 1445 किलोमीटर का है, 28 घंटे लगने वाले हैं, 29 घंटे लगेंगे हम लोगों को। अलीगढ़ होते हुए चलेंगे आगरा होते हुए? आप इसमें भी अपने पास दो ऑप्शन है, एक अलीगढ़ होके जी टी रोड वाला है, ये तो नहीं भी, ये तो नहीं ठीक है, मर जाए इसमें तो, मर जाए थे इससे पहले दिल्ली, मर जाऊंगा इसमें। यही तो रास्ता है, दो रास्ते हैं अपने पास, दिल्ली वाला या तो ये और या तो हमें दोनों अलग अलग चलेंगे, ये वाला सही है, कोई पकड़ सकते हैं। हाँ कोई भी रास्ता हम पकड़ सकते हैं और दोनों बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए, चल सकते हैं और उधर से भी चल सकते हैं, क्योंकि अलीगढ़ के आगे ना चिराग। हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को इस रास्ते में हम लोगों को वहाँ नहीं चलना है। हम लोगों ने पिछली बार क्या किया था, यहाँ पर जाकर अलीगढ़ पहुँच के समझना, यहाँ पर जाके अलीगढ़ से अंदर चले गए, ये रास्ता पड़ा था, ये रास्ता निकला ये, ठीक ठीक ठीक, ये पतला वाला, इसमें हम लोगों की रेड पिटी, इसमें इस रास्ते में रेड पिटी थी। ये अलीगढ़ वाला रूट बहुत अच्छा है, इस रास्ते में रेड पिटी, जब इससे जाओगे ना ये, तो ये पूरी रोड तुम्हें जैसी हम लोग अलीगढ़ तक मिली थी वैसी ही मिलेगी। जो कुछ झेला था ना अलीगढ़ वाली राइड, इतने अच्छे राइडर्स मिल गए, छपरी राइडर्स के अच्छे राइडर्स, चंडीगढ़ पड़ेगा भाई, छपरी अगर बोलो छपरी बेस्ट
चंडीगढ़ मिलेगा। हाँ ये रहा बिल्कुल, हाँ बगल से कोई चंडीगढ़ को भैया, कोई चंडीगढ़ जाने वाला भैया यहाँ चलेंगे हम लोग, संपर्क कर सकता हम लोगों से। नहीं यहाँ चलेंगे, ग्रेट हिमालयन मंडी पड़ेगा भाई। हम लोग रास्ता कौन सा पकड़ ले, कुल्लू मनाली में ये लौटने का रास्ता यार, ये रास्ता नहीं आएगा, इस रास्ते से हम लोग वापसी करेंगे। हमको संस्कार वैली ये सब कुछ पार करना है। नहीं ये रास्ता हम लोग लौटते हैं, कुल्लू मनाली वाला रास्ता जो हम लोग लौटते में आएंगे, हम लोगों को जाना है इस रास्ते से, रास्ता चेंज। सॉरी शक्तिमान गलत गाइस, फॉर समथिंग क्रेजी वी आर गोइंग टू डू इन नेक्स्ट 2 मंथ्स क्यों भैया। हां 1 मंथ, 2 महीने बाद हम लोग कुछ तगड़ा करने वाले हैं और यहां पर हम लोग मैप डिसाइड कर रहे हैं। कौन सा भैया, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हम लोग इधर शिमला जा रहे थे। हाँ शिमला जा रहे थे। चंडीगढ़ से हम लोग इधर लुधियाना अमृतसर होते हुए निकल जाना है जम्मू के लिए। ठीक है फिर जम्मू कश्मीर से हम लोग जाएंगे लेह लद्दाख। ठीक है कारगिल, जम्मू से कारगिल होते हुए ना श्रीनगर फिर श्रीनगर से कारगिल, फिर कारगिल से लेह, खरदोंग और वो जोजिला पास भी तो पड़ेगा, सबसे खूबसूरत बताते वो होता है जोजिला पास। इधर है उल्टा है यार, सॉरी शक्तिमान गलती हो गई, मुझे पता नहीं था। हम लोग सोच रहे हैं ये लेह लद्दाख है और ये स्कर्दू है, ये बहुत सुंदर जगह है। अरे भाई देख रहे हैं आप स्कर्दू वैली भैया, अभी तो बन गई है लेकिन पहले सबसे टफ टेरेन था ये गाड़ियों के लिए, पता है भाई सब सोच जाओ इसे जाने का। और बाकी जम्मू कश्मीर में तो आप लोगों को पता है श्रीनगर के आसपास कितनी बढ़िया जगह है और बर्फबारी अलग, पहलगाम पड़ेगा, बर्फबारी नहीं मिलेगी जम्मू, हम लोग को बहुत अच्छा वेदर मिलेगा बेसिकली। पहलगाम में हम लोग पहलगाम में जा सकते हैं, बर्फबारी नहीं आ रहे, नहीं बर्फबारी हम लोग को ऊपर को मिल जाए कहीं पे ले नहीं, मैं नहीं बर्फबारी कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगी बर्फ, छूने तक को नहीं मिलेगी। छूने को बर्फ चाहिए तो तुम पता कहाँ चले जाओ, श्रीनगर से वो पड़ता है तुम्हारा गुलमर्ग, गुलमर्ग में भैया बर्फ से एक बार खेलने का मन है। गुलमर्ग में दो पॉइंट पड़ते हैं, एक तो लो पॉइंट है एक हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट पे बर्फ गुलमर्ग लेक की बात करें बर्फ खत्म ही नहीं होती कभी, जो 21 किलोमीटर ऊपर है गुलमर्ग में, नीचे से उधर गुलमर्ग पहले पहुंचो फिर वहां से 21 किलोमीटर ऊपर जाओ तो वहां पे बर्फ हमेशा मिलती है। और बाकी की जाती है वहां पे चंदनवाड़ी बर्फ, मत बताओ नहीं तो मैं आप लोग से हूँ भी, आप लोग चलो मैं घूम के आ रहा हूँ बर्फ मिल के आ रहा हूँ बर्फ से। तो ये रहा पहलगाम, इधर भी जाएंगे हम लोग गुरदासपुर होते हुए निकले थे, गुरदासपुर तो याद है मेरे को। अरे ये बताओ भैया रास्ते में अनंतनाग पड़ता है, ये भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत, यहीं पे हमला हुआ था जो आतंकवादी पुलवामा वाला, पुलवामा वाला वो अनंतनाग के पास पड़ता है, ये पुलवामा ऊपर है तो यही रास्ता है, ये वो पहलगाम है पुलवामा के लिए जा रहे थे वो सब लोग, जा रही थी गाड़ी हाँ इसी रोड पे, अनंतनाग है ये तुम क्रॉस करोगे इसके आगे हुआ था इसी। हाँ हाँ ये अवंती पुरुष है, पठानकोट दिख रहा है आपको बिल्कुल, पाकिस्तान कितनी दूर है देख लो, बगल में चलते हैं पठानकोट घूमना है हम लोग पाकिस्तान से। अरे पठानकोट में तो एक एक गली मेरे को याद है आज भी, कहीं कभी चल रहा तो ये जगह है हम लोग का, ये अभी रहेगा रूट में जाने का, और अभी तो यहाँ डिसाइड कर रहे हैं बाकी हम लोग। ये बिल्कुल लगा हुआ है पाकिस्तान, यहाँ मोड़ पे देखिए जूम करिए यहाँ पे, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पास पड़ता है जम्मू से, ये पठानकोट से जम्मू से, ये देखो ये वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ से बहुत पास है ये, ये ये देखो ये रोड इससे कितना दूर रह गया होगा, हाँ ज्यादा से ज्यादा 10-15 किलोमीटर यहाँ पर है कटरा से, इतनी दूर कटरा में वो वैष्णो देवी ना, हाँ। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू की, जम्मू से बहुत पास पड़ता है, जम्मू से पास पड़ता है सबसे पास जम्मू से, हम लोग उधर जाने ही नहीं, हम लोग इधर नहीं कर रहे हैं। यहीं पे बता यहाँ से बहुत पास है तुम्हारा, ये तुम्हारा वो जो पड़ता है ना गुलमर्ग, उससे बहुत पास पड़ता है, कहाँ गया गुलमर्ग, श्रीनगर, श्रीनगर से गुलमर्ग है ना, यहाँ से बहुत पास है गुलमर्ग की जो वाली पहाड़ी है बर्फीला इलाका समझ में आ रहा है, हल्की हल्की बर्फ पड़ी है। यहां के ये सनसेट पीक देख रहे हो, सनसेट पीक चल सकते तुम लोग, सुनो भैया देखो हम लोग पीक ना करने लगो तुम लोग पीक करते करते, मेन चीज सुनो, अरे हाथ में पहुंचे ये जम्मू पहुंचना है, ठीक है तो जम्मू पहुंचने से हम लोगों को
कितना दिन लेना है? दो दिन? देखो हमें कोई दो तीन दिन की चार दिन की बात नहीं है, हमने भी तुमसे क्या कहा था, हम सब एक दिन अमृतसर घूमेंगे, गोल्डन टेम्पल घूमेंगे अमृतसर में, और वो तुम्हारा वो चलेंगे जहाँ परेड होती है लाहौर, वो लाहौर, लाहौर मारेगी बहुत पाकिस्तानी पुलिस। बेसिकली अमृतसर में जो अटारी बॉर्डर है, अटारी, अरे वो जगह का नाम अटारी है, जगह का नाम अटारी है। हाँ भाई चलो कुछ भी हो वहाँ घूमेंगे, बात खत्म। अटारी पड़ेगा, हम लोग इधर भी जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बदलना वो जहाँ पे गोली मारी थी, कौन सी जले वाला बाग, वो जाएंगे ऐसी पकड़ो जो लोगों को देखने में मजा आए, जलिया वाला बाग जाओ तो भैया वो सब तो करेंगे, एकदम हिस्टोरिकल जगह जो होती वो है वो तो करेंगे। एक बार बात करोगे जलंधर वो जो मजा आ रहा है, आते वक्त तुमको तो मिलना है भाई, और 700-800 रुपए बस निकल है, और बहुत सेक्सी मजा आ जाएगा आपकी तरफ से ना ट्रिप। हम तो चल देंगे मैम, मुझे पता है कि किसकी बात हो रही है, मैं लद्दाख ट्रिप भी नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी को फोन करके बोल देंगे अगर कोई दिक्कत होगी तो, वरना फिर बोल देंगे पाकिस्तान 24 घंटे वापस करो, वरना भेज रहे कुछ ना कुछ। हाँ ऊपर से फ्लाइंग शॉट गिर रहा है, झुम झुम झुम। क्या बात कर रहे हो भैया, एक टनार के लिए ना इतना सारे लड़के ना मोदी जी के खुद जाएंगे लेकर आओ लोगों को। हाँ भैया आप कह दो जो मुझे वापस लाएगा मैं उसको 10,000 की पे करूंगा। फिर बवाल हो जाएगा, फिर तो इंडिया के जितने नए पूरा रात भर में 24 घंटे के अंदर पूरा यूपी का लौंडा पाकिस्तान में घुसा हुआ है, और यूपी वाले पाकिस्तान में पूरे आ जाएंगे। ये तो गाइस रास्ते जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सी जगह जाते जाते बहुत सी जगह घूमेंगे हम लोग, एक एक ही जगह नहीं कि लद्दाख जा रहे हैं, हर जगह का ट्रिप मतलब पूरा सब कुछ करते हुए चलेंगे। जलंधर है मुझे पता बहुत बढ़िया गांव के बीच में, अमृतसर फिर ऐसे हो जाएंगे। अब हम लोग डिसाइड करते हैं और मिलते हैं।